नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जठलाना, जिला यमुनानगर। कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर का भाग 2 आज आपके सामने है। भाग 2 में हमारे जो विषय होंगे वे हैं चीन का आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना। इसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे चीन वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है। कोई भी सामान जो वर्तमान में बिक रहा है मेड इन चाइना के नाम से बिक रहा है, तो कैसे उसने अपनी अर्थव्यवस्था को वर्तमान स्तर तक लाया है या क्या कारण रहे हैं, उनको विस्तार से जानेंगे और साथ में भारत चीन संबंधों का भी विस्तार से वर्णन करेंगे। दो उपविषय हमारे ये आज के इस भाग में होंगे। विश्व मानचित्र पर पहले चीन देख लेते हैं। वास्तव में चीन एशिया महाद्वीप में आता है और एशिया महाद्वीप में भी अगर हम देखें तो जो चीन है वो वास्तव में अगर हम कहें भारत का पड़ोसी देश है। ये सारा का सारा आप देख रहे हैं चीन है, काफी बड़ा भूभाग उसके पास है, तो हमारा उत्तर में हमारा पड़ोसी देश भी है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था, मतलब इतना बुरा हाल था कि हम उसको रोगी कहकर पुकारते थे। लेकिन 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद चीन ने जिस तरह से विकास किया है उससे यह सिद्ध हो गया है कि आर्थिक विकास के द्वारा कोई भी देश अपने ऊपर लगे धब्बे को मिटा सकता है। कि जिस देश को पहले एशिया का रोगी कहा जाता था आज वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बना हुआ है। 1949 का चीन आप चित्र में देख रहे हैं, किस प्रकार वहां गरीबी थी और लोगों का जीवन किस प्रकार का या निम्न स्तर का था। वर्तमान समय में चीन जिस तरह से लगातार विकास करता जा रहा है उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक वह विश्व की सुपर पावर अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। अगर इसी तरह से विकास करता रहा तो 2040 तक वह जिसको हम वर्तमान समय में वैश्विक शक्ति कहते हैं अमेरिका, उससे भी आगे निकल जाएगा। आज का चीन संघाई आप देख रहे हैं, जो उनके शहरों को देखकर जिस प्रकार से चकाचौंध है शहरों में, तो जिस प्रकार से उन्होंने विकास किया है वो किसी उदाहरण से कम नहीं है। तो संघाई शहर का आप दृश्य देख रहे हैं। इसी प्रकार एक और चित्र आपकी स्क्रीन पर उभर रहा है बेजिंग का, आज का चीन के तहत। तो अगर चीन के विकास को देखा जाए या वहां के शहरों को देखा जाए तो वो विकसित देशों के शहरों को टक्कर दे रहा है। अपने पड़ोसी देशों की आर्थिक स्तर पर मदद करने के कारण चीन पूर्वी एशिया के लिए विकास का इंजन जैसा बन गया है। क्योंकि ज्यादातर जो भी एशिया के देश हैं, पूर्वी एशिया है खासकर, तो उनको जिस प्रकार से वो आर्थिक मदद दे रहा है तो उनके लिए वो विकास का इंजन जैसा बन गया है और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव काफी बढ़ गया। इसके अलावा उसकी विशाल जनसंख्या, बड़ा भूभाग, प्रचुर मात्रा में संसाधन तथा क्षेत्रीय स्थिति भी इसके प्रभाव को और भी कई गुना बढ़ा देती है। तो ये कारण भी है, एक बड़ी जनसंख्या है, पढ़ी लिखी जनसंख्या है, विशाल भूभाग है, तो ये भी उसके प्रभाव को एशिया में बढ़ा रहे हैं। चीन का आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना। वर्तमान समय में जिस प्रकार चीन दुनिया के नक्शे पर आर्थिक रूप से उभर कर सामने आया है उससे पूरी दुनिया चकित है। लेकिन चीन का आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना अचानक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं। 1949 में चीन में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में क्रांति हुई और क्रांति के बाद वहां साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। अतः यह कहा जा सकता है कि क्रांति के बाद चीन की अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल साम्यवाद पर आधारित थी। तो जिस प्रकार सोवियत संघ में साम्यवाद की धारणा प्रचलित थी, ऐसा ही चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो भी साम्यवाद के मॉडल पर आधारित थी।
चीन के आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने के कारणों पर अगर हम विचार करें तो चीन के आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने के कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। उनका एक एक करके विस्तार से वर्णन करना जरूरी है कि कैसे वर्तमान समय में चीन की जो अर्थव्यवस्था है कि कैसे उसने विकास किया। उसमें पहला है योग्य नेतृत्व। चीन को हमेशा ही योग्य नेताओं का मार्गदर्शन मिला है। 1949 में चीन ने माओ त्से तुंग के नेतृत्व में अपना विकास करना शुरू किया। पीछे हमने पढ़ा कि माओ त्से तुंग के नेतृत्व में क्रांति हुई और वहां साम्यवाद की स्थापना हुई। तो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन ने अपना विकास करना शुरू किया। वे एक दूरदर्शी नेता थे तथा चीन को आगे ले जाना चाहते थे। अपनी स्क्रीन पर आप माओ त्से तुंग का चित्र देख रहे हैं। माओ त्से तुंग की मृत्यु के बाद भी चीन में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जारी रही। मतलब कहने का मतलब ये है कि माओ त्से तुंग के बाद जितने भी नेता चीन में बने उन सभी ने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखा। इसके अलावा चीन के नेता तकनीकी रूप से भी कुशल व्यक्ति थे। ये चीन की खासियत है कि वहां जितने भी नेता थे वो वास्तव में तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति थे, इसलिए वे देश को कुशल नेतृत्व प्रदान करते रहे। तो जिन देशों के नेता तकनीकी रूप से कुशल हो वह देश आगे ही बढ़ेगा या उसके आर्थिक रूप से सक्षम होने के ज्यादा चांस होंगे। घरेलू संसाधनों का समुचित प्रयोग, ये भी एक दूसरा कारण है चीन के आर्थिक रूप से सशक्त होने का। घरेलू संसाधनों का समुचित प्रयोग चीन के आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने का कारण अपने घरेलू संसाधनों का समुचित प्रयोग करना भी रहा है। जब चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्तों को तोड़ लिया तो उसके पास अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि पूंजीवादी देश ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो देश उभर कर सामने आए थे। लेकिन पूंजीवादी देशों के साथ चीन ने अपने रिश्तों को तोड़ लिया। अब ऐसी स्थिति में देश के आर्थिक विकास के लिए जो पैसा चाहिए था, जब तो रिश्ते तोड़ लिए तो पैसा उसके पास नहीं था, तो ऐसी स्थिति में उसके पास अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए चीन ने अपने संसाधनों का सही प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनता चला गया और एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। तीसरा कारण है चीन के आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने का, वो है विकास का नया मॉडल। एक नया मॉडल अपनाया और वो क्या था वो इसमें जानते हैं। आरंभ में चीन में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, इसलिए सरकार खेती में ही पैसा लगाती थी। लेकिन जब कृषि से बढ़िया परिणाम सामने नहीं आए तो चीनी सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को नया रूप देने के लिए विकास का नया मॉडल अपनाया। इस नए मॉडल के अनुसार सरकार ने खेती में से पूंजी को निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया। जो पैसा सरकार पहले खेती बाड़ी में लगा रही थी, जब खेती बाड़ी से बढ़िया परिणाम सामने नहीं आया तो उस पैसे को निकालकर बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। लेकिन उद्योग लगाने के लिए विदेशी तकनीक और मशीनों की जरूरत थी। दूसरी तरफ मशीनें खरीदने के लिए सरकार के पास विदेशी मुद्रा भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में चीन ने अपने बलबूते पर बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए और इसका परिणाम यह हुआ कि चीन एक औद्योगिक देश में बदल गया। दूसरा एक और कारण है, चौथा जो कारण है चीन के आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने का, और वो है सामान्य शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा। चीन में सरकार ने लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्हें सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा भी दी। ये चीन की खास विशेषता रही है। दूसरे देशों में इसको अनदेखा किया गया है, लेकिन वहां उन्होंने सामान्य शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा भी दी, किसी व्यवसाय का भी ज्ञान कराया। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन में डॉक्टरों, इंजीनियरों और तकनीकी रूप से कुशल व्यक्तियों की एक बड़ी फौज एकत्रित हो गई, जिसने चीन को आर्थिक रूप से उभरने में काफी मदद की। 1970 के दशक में चीन के नेताओं ने कई बड़े नीतिगत निर्णय लिए, जैसे
1972 में चीन ने, ये अपडेट आपने याद रखनी है, 1972 में चीन ने अमेरिका से संबंध बनाकर पूंजीवादी दुनिया से चले आ रही अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। पहले चीन ने पूंजीवादी देशों से अपने रिश्तों को तोड़ लिया था, खासकर अमेरिका से, लेकिन 1972 में उसने अमेरिका से अपने संबंध बनाए और जो एकांतवास में वो चल रहा था उस एकांतवास को खत्म किया। इसी प्रकार 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एनलाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधुनिकरण के 4 प्रस्ताव रखे। चीन के नेताओं के बारे में हम पीछे जान चुके हैं कि वो तकनीकी रूप से कुशल व्यक्ति भी रही। तो 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एनलाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नया आधुनिकरण करने के लिए इनके 4 प्रस्ताव रखे। वास्तव में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से पूंजीवाद में बदलने के लिए सोवियत संघ की तरह शोक थेरेपी का तरीका नहीं अपनाया, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। शोक थेरेपी के बारे में हम अब इसी पुस्तक के अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि जब सोवियत संघ 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वहां साम्यवाद को पूंजीवाद में बदलने के लिए शोक थेरेपी, मतलब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कई प्रकार के तरीके अपनाए गए। साम्यवाद को पूंजीवाद में बदला गया और साम्यवाद की जगह निजीकरण को लेकर आया गया। तो इससे वहां जिस परिणाम की उम्मीद की गई थी वो नहीं हुए, बल्कि चीन ने इस शोक थेरेपी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जो निजीकरण की तरफ बढ़ा उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि वो चरणबद्ध तरीके से बढ़ा। पहले धीरे धीरे उसने सुधार किए ताकि एकदम से सुधार ना किए जा सके। उसमें क्या था कि वो चरणबद्ध तरीके से कैसे बढ़ा, उसमें पहला अगर हमारे पास आता है वो है खुले द्वार की नीति। 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए विदेशी पूंजी और विदेशी तकनीक के लिए चीनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए गए। पहले अपने बलबूते पर उद्योग स्थापित किए और 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई और विदेशी पूंजी और विदेशी तकनीक के लिए चीनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए गए। दूसरा जो तरीका अपनाया अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए वो था खेती का निजीकरण। 1982 में, फिर आपने ये डेट याद रखनी है, 1982 में चीन ने खेती का निजीकरण किया, अर्थात खेती को निजी हाथों में सौंप दिया गया। खेती को निजी हाथों में सौंप देने से कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत की मात्रा बढ़ी और इससे ग्रामीण उद्योगों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। इससे भी चीन के आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में मदद मिली। और तीसरा जो तरीका अपनाया गया अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए वो था उद्योगों का निजीकरण। पहले चीन में उद्योगों पर सरकार का कड़ा नियंत्रण था। सरकार का नियंत्रण होने के कारण अनेक उद्योग घाटे में चल रही थी। 1998 में, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, 1998 में चीन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण कर दिया, अर्थात उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया। इन निजी उद्योगों ने भी चीन के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और चौथा जो तरीका अपनाया वो था विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनना। 2001 में, फिर अंडरलाइन करने वाली डेट है कि चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। इस संगठन का सदस्य बनने का लाभ यह हुआ कि अब चीन इस संगठन के सभी सदस्य देशों में अपना तैयार माल आसानी से बेच सकता है। वास्तव में विश्व व्यापार संगठन से जुड़कर चीन की योजना विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ना है, पूरे संसार से जुड़ना है, ताकि जो व्यापक स्तर पर वहां उत्पादन हो रहा है उसे पूरे संसार में खपाया जा सके, ताकि भविष्य की विश्व अर्थव्यवस्था को एक मनचाहा रूप दिया जा सके, ताकि
और विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसे अपने तरीके से चलाया जा सके। चीन के आर्थिक शक्ति के रूप में उदय के दुष्परिणाम, तो जिस प्रकार चीन आगे बढ़ा है उसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में भले ही आश्चर्यजनक सुधार हुआ है, लेकिन वहां हर किसी को इन सुधारों का लाभ नहीं मिला है। आर्थिक सुधारों के कई बुरे परिणाम भी सामने आए हैं, जैसे कौन कौन से, उसमें पहला आता है कि बेशक चीन आज वर्तमान समय में आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है, लेकिन उसके कई दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। उसमें पहला है बेरोजगारी में वृद्धि। आर्थिक सुधारों के कारण चीन में बेरोजगारी बढ़ी है, वहां 10 करोड़ लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। इसके अलावा चीन में काम करने के हालात उतने ही खराब हैं जितने 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में हुआ करते थे। दूसरा दुष्परिणाम क्या हुआ है, वो है भ्रष्टाचार में वृद्धि। आर्थिक सुधारों के कारण चीन में भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। चीन के अनेक छोटे बड़े नेता भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए हैं। और तीसरा दुष्परिणाम हुआ है पर्यावरण प्रदूषण। चीन में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के कारण पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है। अनेक उद्योग स्थापित होने से चीन की आबो हवा खराब हुई है, मतलब वहां पर्यावरण प्रदूषण आम समस्या हो गया है। देखने में आया कई बार प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शहरों का लॉकडाउन करना पड़ता है। और चौथा दुष्परिणाम है गुणवत्ता में कमी। आर्थिक सुधारों को शुरू करने से चीन में उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन गुणवत्ता, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी, में कमी आई। चीन में बनी चीजें सस्ती तो हैं लेकिन टिकाऊ नहीं। अतः चीनी सामान के बारे में यह आम धारणा बनी है कि यह सस्ता है, सुंदर है, लेकिन टिकाऊ नहीं। तो गुणवत्ता, जो क्वालिटी है, वो इतनी बढ़िया चीन के सामान की नहीं है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है जहां सभी देश उसका लोहा मानने लगे। चीन का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस जैसे देश भी व्यापार के आगे चीन से अपने विवादों को भुला चुके। क्योंकि हर देश को चीन के सामान की जरूरत है, तो सभी देशों ने चीन से अपने जो कटु रिश्ते थे उनको भुला दिया है। अगला हमारे पास जो इसी उपविषय था, इसी भाग का, वो है भारत चीन संबंध, कि दोनों देशों के संबंध जो हैं वो कैसे रही हैं। भारत और चीन एशिया महाद्वीप के दो प्रमुख देश हैं। प्राचीन काल में दोनों देशों के यात्री एक दूसरे देश में आते जाते थे, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच संबंध सीमित ही रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जानते, हालांकि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। प्राचीन काल में भी दोनों देशों में यात्री आते जाते थे, लेकिन फिर भी दोनों देश एक दूसरे को नहीं समझ पाए। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो उसने चीन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की। 1949 में जब चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, तो भारत इस सरकार को मान्यता देने वाला एक प्रमुख देश था। साम्यवादी था, हालांकि भारत साम्यवाद का इतना समर्थक नहीं रहा, लेकिन फिर जब वहां पर साम्यवादी क्रांति हुई और साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, तो भारत उस सरकार को मान्यता देने वाला एक प्रमुख देश था। इसके बाद यह उम्मीद जगी कि दोनों देश एक साथ आकर एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। दोनों देशों के अगर हम संबंधों की बात करें, तो उनको कुछ शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं। उसमें पहला है तिब्बत की समस्या, जो हमारे पास सबसे बड़ी, जहां से दोनों देशों के बीच दरार पैदा होनी शुरू हुई। उसमें पहला पॉइंट आता है तिब्बत की समस्या। तिब्बत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित भारत और चीन के बीच एक विशाल पठार है। भारत और चीन के बीच एक विशाल पठार है। अगर मानचित्र आप देख रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा चीन है, और ये, इसमें अगर आप ये देखें,
जो रेड लाइन से आप देख रहे हैं ये तिब्बत है, क्योंकि ये नक्शे में दिख रहा है अब वास्तव में नहीं है। तो तिब्बत जो है वास्तव में एक पठार है, भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग है जो अलग दिखाई देता है। चीन शुरू से ही तिब्बत को अपना हिस्सा मानता रहा है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है। चीन मानता रहा है, लेकिन वास्तव में तिब्बत कभी भी चीन का, जो लोग इतिहास को जानते हैं उनका मानना है कि तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है। 1950 में, ये आपने तारीख याद रखनी है, 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उसे अपने में मिला लिया। दुनिया के सभी देशों ने चीन की इस कार्यवाही की कड़ी आलोचना की, लेकिन भारत ने तिब्बत पर चीन के आक्रमण को सही ठहराया। ये भारत की सबसे बड़ी गलती थी कि जब चीन ने जबरदस्ती तिब्बत पर कब्जा किया तो भारत ने उसको मान्यता दे दी। भारत ने तिब्बत पर चीन के आक्रमण को सही ठहराया। राजनीति के जानने वालों का मानना है कि भारत द्वारा तिब्बत पर चीन के आक्रमण को सही ठहराना भारत की सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट जिनके द्वारा हम भारत चीन संबंधों को समझ रहे हैं, वो है पंचशील का समझौता। ये भी एक मील का पत्थर था दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने में, पंचशील का समझौता। 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच पंचशील का समझौता हुआ। वास्तव में पंचशील जो है पांच सिद्धांत हैं। जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई को आप देख रहे हैं, ये चाउ एन लाई है और इधर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इस समझौते में पांच बातें कही गई, पांच सिद्धांत बताए गए हैं और वो पांच सिद्धांत हैं। उसमें पहला है, दोनों देश एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी नहीं करेंगे, और तीसरा सिद्धांत था, दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। चौथा, अगर हम सिद्धांत देखें तो चौथा था, दोनों देश एक दूसरे के लाभ के लिए काम करेंगे, हानि पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए काम करेंगे। और पांचवा सिद्धांत था, दोनों देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या बिल्कुल आसान सा जियो और जीने दो की नीति में विश्वास रखेंगे। तो ये पांच सिद्धांत थे भारत। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जो महत्वपूर्ण विवाद का विषय है और वो है सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। याद रख लीजिए कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। मैकमोहन लाइन, अगर आप अपने स्क्रीन पर मानचित्र देख रहे हैं तो ये जो पीले वाला जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यहां से कुछ भाग जम्मू कश्मीर को टच करता हुआ, ये सारी की सारी पीला वाला जो लाइन है यहां तक, उसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है, थोड़ी सी सिक्किम में भी ये मैकमोहन लाइन लगती है और उसके बाद पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को ये छूती है। तो ये भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है जिसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में भारत, चीन और तिब्बत के नेताओं ने एक बैठक में समझौता करके तय की थी। 1914 आपने याद रखना है कि कब मैकमोहन लाइन निर्धारित की गई थी। इस बैठक में आर्थर हेनरी मैकमोहन भी शामिल थे जो उस समय भारत के विदेश सचिव हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने ही सीमा रेखा तय करने का काम क्योंकि उन्हें ही सीमा रेखा तय करने का काम सौंपा गया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। आप समझ गए होंगे, विदेश सचिव भी थे, 1914 में यह रेखा खींची गई थी, आर्थर हेनरी मैकमोहन, क्योंकि उन्होंने इस रेखा को खींचा था इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। 1956 तक चीन इसे ही सीमा रेखा मानता रहा, कोई विवाद उसने खड़ा नहीं किया, लेकिन 1956 के बाद चीन ने इस सीमा रेखा पर आपत्ति उठाने शुरू कर दी। चीन का मानना था कि दोनों देशों के बीच सीमा रेखा ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं की गई, इसलिए 1956 के बाद चीनी सरकार द्वारा जितने भी मानचित्र प्रकाशित किए गए उन सभी में भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के एक बड़े हिस्से को चीन में दिखाया गया।
1956 तक कोई आपत्ति खड़ी नहीं की, लेकिन 1956 के बाद जो भी मानचित्र प्रकाशित किए उसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के एक बड़े हिस्से को चीन में दिखाया गया। अगला अगर आप मानचित्र देख रहे हैं जहां जहां पर उन्होंने दिखाया है, ये पूरा का पूरा जो इलाका था भारत का, ये पूरा का पूरा चीन ने अपने उसमें दिखाया, और इसके बाद पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को भी चीन ने अपने में दिखाना शुरू कर दिया। जब भारत ने इस तरफ चीन का ध्यान आकर्षित किया तो चीन ने इसे पुरानी सरकार की गलती बताया और आने वाले समय में इन नक्शों को ठीक करने का आश्वासन दिया। लेकिन चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टे वह इन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सड़कें बनाने लगा। भारत सरकार द्वारा दलाई लामा को शरण देना, ये यहां से विवाद पैदा होता है। दलाई लामा कौन है ये भी आपको बताएंगे। 1959 में अगर आपकी याद हो, 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया, तो 1959 में तिब्बत के लोगों ने तिब्बत को स्वतंत्र करवाने के लिए चीनी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए चीनी सरकार ने तिब्बत के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इन अत्याचारों से डरकर तिब्बत के लोग अपने धर्म गुरु, और उनके धर्म गुरु का नाम है दलाई लामा, तो आप समझ गए होंगे दलाई लामा कौन है। दलाई लामा तिब्बत के लोगों का धर्म गुरु है। तो तिब्बत जब अत्याचार करने शुरू किए तो उन अत्याचारों से डर कर तिब्बत के लोग अपने धर्म गुरु दलाई लामा के साथ भारत पहुंचे। दलाई लामा का चित्र आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तिब्बत के धर्म गुरु हैं ये। भारत सरकार ने उन्हें अपने यहां शरण दे दी। इससे चीन नाराज हो गया। उसने भारत पर पंचशील समझौता जो किया गया था, पंचशील समझौता तोड़ने का आरोप लगाया, क्योंकि समझौते में यह कहा गया था कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो जब तिब्बत के धर्म गुरु को भारत, दलाई लामा को भारत ने शरण दी, तो चीन ने यह आरोप लगाया कि भारत पंचशील समझौते को तोड़ रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगी। इस बात से नाराज होकर 1959 में चीन ने लद्दाख के अक्साई चीन वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लद्दाख के अक्साई चीन वाले इलाके पर कब्जा कर लिया। उसके बाद आता है भारत चीन युद्ध 1962। भारत सरकार द्वारा तिब्बत के लोगों और उनके धर्म गुरु दलाई लामा को शरण देने से चीन नाराज हो गया, और सितंबर 1959 में उसने भारत के लद्दाख क्षेत्र के अक्साई चीन वाले इलाके के 12,000 वर्ग मील पर कब्जा, अक्साई चीन वाले इलाके के 12,000 वर्ग मील पर कब्जा कर लिया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह भारत के क्षेत्र को तुरंत खाली करे, लेकिन चीन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा और सीमा पर सैनिकों के बीच छोटी मोटी झड़पें होने लगी। 20 अक्टूबर, फिर ये डेट याद रखनी है कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भारत की बुरी तरह से हार हुई। चीन ने भारत के हजारों वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जो आज भी चीन के कब्जे में। चीन युद्ध में भारत की हार से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह गहरा धक्का लगा। इस संकट से उभरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को भी ठेस पहुंची, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्रीय भावना मजबूत हुई। 1962 में खराब हुए भारत और चीन संबंधों को फिर से सामान्य होने में करीब 10 साल लगे। दोनों देशों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। 1976 में दोनों देशों के बीच फिर से राजनयिक संबंध स्थापित हुए। एक लंबा समय लगा दोनों देशों के बीच संबंधों को ठीक करने में। शीर्ष नेता के तौर पर पहली बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तब वे विदेश मंत्री हुआ करते थे, 1976
1979 में चीन के दौरे पर गई। चित्र आप देख रहे हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी का, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 1988 में श्री राजीव गांधी भी बतौर प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए। इसके बाद से दोनों देशों ने टकराव को टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना या वार्षिक की दर से बढ़ रहा है। 1999 के बाद से भारत और चीन के बीच जो व्यापार है 30% वार्षिक की दर से बढ़ रहा है। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई है। चीन और भारत के बीच 1992 में 33,80,00,000 डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, यानी कि दोनों देशों ने एक दूसरे के सामान भेजे या फिर मंगवाए, तो टोटल जो हुआ 33,80,00,000 डॉलर का व्यापार हुआ, जो 2016 में बढ़कर 70 अरब डॉलर का हो चुका है। हाल में दोनों देश ऐसे मसलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं जिनसे दोनों के बीच मतभेद पैदा हो सकते थे। यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में चीन को मददगार माना गया है, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच कोई टकराव पैदा नहीं हुआ है। इस बात का एक प्रमाण यह है कि इन चीजों के बने रहने के बावजूद भी सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। दोनों के बीच जो विवाद है देशों के बीच, उनको वो सुलझाने में लगे हुए हैं, कुछ संबंध सुधर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।